सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रैंडम व्यूज को और बेल आइकन का दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैंडम व्यूज में। और आज का वीडियो इस बारे में है कि हम एनवीडिया के कस्टमर सपोर्ट से लाइव चैट कैसे करें डायरेक्टली अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना यह है कि आपको ब्राउज़र खोलना है, और ब्राउज़र खोलने के बाद आप टाइप इन करेंगे एनवीडिया सपोर्ट लाइव चैट। बस ये चार वर्ड टाइप करने हैं आपको, एनवीडिया सपोर्ट लाइव चैट। उसके बाद एंटर दबाने के बाद आपका पेज खुलेगा गूगल का। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां जा सकें। उसके बाद जो करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने खोला अभी लिंक लाइव चैट एनवीडिया वाला, इससे आप डायरेक्टली चैट कर सकेंगे किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर केयर जो एनवीडिया में आपको बैठता है। तो उसके बाद आपको करना ये कि आपको यहाँ पे सपोर्ट टीम के लिए सब्जेक्ट लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या सजेशन है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं एनवीडिया से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम देंगे, जैसे कि मैं पहले ही किया हुआ रहता हूँ, बात करता रहता हूँ एनवीडिया से, तो आपका ये आता रहा, मेरा नाम आ रहा है इसमें। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे अपना, जो आपको कॉन्टैक्ट करा जाएगा अगर आपका कनेक्शन लूज़ हो जाए चैटिंग करने के दौरान। उसके बाद आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है, तो आप प्रोडक्ट चूज़ करने में जैसे कि आप अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करें जी फोर्स के बारे में कर सकते हैं, या फिर आप और भी दूसरे सारे सील्ड है और आपका जी फोर्स एक्सपीरियंस जो सॉफ्टवेयर है उससे कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई प्ले स्टोर या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका एनवीडिया से लिंक्ड है तो उससे करेंगे। तो मेरा तो ग्राफिक्स कार्ड का है, तो मैं जी फोर्स ग्राफिक्स करके सबमिट कर दूँगा। उसके बाद जब मैं सबमिट कर दूँगा तो आपको करना हो थोड़ा सा वेट, जो कि कनेक्शन का दिखाएगा यहाँ पर। जैसे ये ओरेकल द्वारा हुआ जा रहा है पॉसिबल आपका कॉन्टैक्ट करने के लिए चैटिंग लाइव चैट। तो यहाँ पे आपको आपका जो लाइन में नंबर है वो दिखा देगा, और आपको कितना सेकंड में वो आपके कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे मेरा दिखा रहा 23 सेकंड के बाद एजेंट कनेक्ट हो जाएगा जिससे हम बात करेंगे एनवीडिया सपोर्ट के लिए। मैं बस ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको बंद कर दूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ भी अवेलेबल एजेंट, जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका कॉन्टैक्ट हो जाए, चैट आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको बताएंगे, वो सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपको असिस्ट किया जाएगा उसके बारे में। तो बस इतना ही आज का कॉन्टैक्ट करने कैसे एनवीडिया। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।